गाइस बानु आ चुकी है, चले चलो। हेलो गाइस, माय नेम इज राहुल मेहरा, आर आर फोटोग्राफी से। ये बानु आप जानते हो उसको, और मार्केट में देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं अब मार्केट के अंदर, तो मैं दिखाऊंगा मार्केट क्या कहती है। मिलते हैं शॉप पर। मुझे सोहिनगर अच्छा लगता है अपना, क्योंकि सबसे बेस्ट है, क्योंकि जिसको सूट ज्यादा पसंद हो उनके लिए बेस्ट मार्केट है। अच्छा जी, चलो यहाँ क्या लेना है, किसका? अपनी भाभी की बेटी के लिए ड्रेस लेनी है, चलो राखी के लिए। तेरे को भी जल्दी से पसंद नहीं आती कोई चीज़? जो कि वैरायटी जब देखो ना तो फिर समझ नहीं आता ज़्यादा, खासकर बच्चों की कलेक्शन में। छोरी सॉफ्ट नेट में, ये चुभने वाले में से कुछ नहीं है, बिल्कुल अंदर सॉफ्ट है। कितने की मिली बेस्ट? 350। मतलब रेंज और भी थी, बट मैं सिर्फ दो ही सामान लेने आई थी ना, इसलिए ज़्यादा पैसे नहीं लगे। जितने पैसे होते हैं उतने खर्च होते हैं। हाँ ये बात तो सही बोली है, खासकर मेरे से तो होते हैं। गाइस बानू आ चुकी है, चले चलो। तो चल रहे आप घर? चलो तो गाइस मिलते हैं आगे, घर जा रहे हैं वैसे तो, यहाँ से हम तो मिलेंगे आगे। तो गाइस यहाँ पर हमने चाउमीन लिए, चाउमीन खा रहे हैं क्योंकि इसको खानी चाउमीन, ठीक है। मेरा तो पेट भरा हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं गोरख यहाँ से भी आया तो बहुत पेट भरा हुआ है, कैसे तो नहीं खाती। ओके अब सारी चलो, पर ये इंसान मुझे खाने नहीं देता, जंक फूड ज़्यादा नहीं खाने चाहिए ना, तो वो इसको समझाता हूँ। वैसे देखो मोटी हो रही है, क्योंकि मुझे क्या इसलिए मना करता है क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है। हाँ तो अब बताओ, डॉक्टर की बात माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए? तो वही मैं इसको मानने के लिए बोलता हूँ, पर ये मन नहीं मानती। खानी चाहिए ना क्या? ये पागल है, अब छोड़ो उसकी बातें, ये भानु का नाम ही पागल है, ठीक है। तो हम मिलेंगे, नाम है फीलिंग, भावना मेहरा का नाम है फीलिंग, नकली फीलिंग, ठीक है। गाइस अभी हम लोग चाउमीन खा रहे थे तो एक लेडी आई, उसने बोला कि मुझे ज़रूरत है, मुझे दूध दिला दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो वो वहाँ गए हैं उसको दूध दिलाने के लिए। देखिए गाइस राहुल आ चुके हैं। तो गाइस ये भावना कुछ बोलना चाहती है, अगर आपको भी कोई ऐसा ज़रूरतमंद इंसान मिले तो उसकी प्लीज़ ज़रूर मदद कीजिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अगर हमसे छोटा है या कोई कोरोना चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, ठीक है। आप लोग हेल्प नहीं करोगे तो फिर वो बेचारे को कौन हेल्प करेगा, तो इसलिए प्लीज़ आप हेल्प करें सबको। कुछ लोगों की वजह से, जैसे कोई ज़रूरतमंद नहीं होता, कुछ लोगों की वजह से वो लोग भी रह जाते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत लोगों को ही चीज़ें देनी चाहिए, और जितना हो सके इस चीज़ को शेयर। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो इस चैनल को प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करके ना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके बाय।